नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको SBI का एक ऐसा म्यूचुअल फंड बताऊंगा जिसमें कि आपको मात्र 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ देना है और 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको 8 करोड़ 36 लाख से भी ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करने पर इतना ज़्यादा रिटर्न कैसे मिलेगा, तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप आखिर तक इस वीडियो को देखेंगे तभी आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। तो यहाँ पर मैं आपको SBI का म्यूचुअल फंड बताने से पहले यह बता देता हूँ कि किस कैलकुलेशन के आधार पर मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि आपको इतना ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ पर हम म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने ग्रो एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया है और इसके अंदर हमने ओपन करके रखा हुआ है म्यूचुअल फंड रिटर्न कैलकुलेटर। इसके नीचे लिखा हुआ है टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमें यहाँ पर डालना है कि हम कितने रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर 25,000 रुपये लिखा है, हम यहाँ पर इसे 1 लाख कर देते हैं क्योंकि हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 1 लाख रुपए की करेंगे। तो मैं यहाँ पर 25,000 को हटाकर 1 लाख कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने टोटल इन्वेस्टमेंट में 1 लाख डाल दिया है। अब इसके नीचे लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट, यानी कि जिस म्यूचुअल फंड की मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ उस म्यूचुअल फंड से आपको कम कितना रिटर्न मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिस SBI म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूँ उस म्यूचुअल फंड से कम 40% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, पर हम कम से कम 40% रिटर्न मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट में 40% डाल दिया है। अब इसके नीचे हम डालेंगे टाइम पीरियड, यानी कि कितने लंबे समय के लिए हमें जो 1 लाख रुपए हैं उन्हें इन्वेस्ट करके छोड़ देना है, तब जाकर जो हमारे 1 लाख रुपए हैं वो 8 करोड़ 36 लाख में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि अगर आप अपने 1 लाख रुपये को 8 करोड़ 36 लाख रुपये बनाना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप यह 1 साल में या फिर 2-3 साल में कर पाएंगे। आपको अच्छे खासे समय के लिए अपने अमाउंट को इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा, तब जाकर आप 1 लाख रुपए को 8 करोड़ में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम टाइम पीरियड में डाल देते हैं कि हमें कितने समय के लिए हमारे अमाउंट को इन्वेस्ट करके रखना है। तो यहाँ पर मैं इसे डाल देता हूँ 20 ईयर्स, यानी कि आपको 1 लाख रुपए को 20 साल तक इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने टोटल इन्वेस्टमेंट में डाला है 1 लाख रुपए और एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट है 40% और टाइम पीरियड है 20 साल। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसे नीचे करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 1 लाख रुपये है, पर लेकिन 20 साल बाद जो हमारे 1 लाख रुपये हैं उनकी जो वैल्यू हो जाएगी 8 करोड़ 36 लाख रुपये हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर आपको जो कैलकुलेशन है वो तो समझ में आ गई होगी। अब मैं यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ और वहाँ पर समझाता हूँ कि वह कौन सा SBI का म्यूचुअल फंड है जिस म्यूचुअल फंड की मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको डालना है SBI और फिर स्पेस दे देना है और फिर डालना है PSU। जैसे ही आप यहाँ पर डालेंगे SBI PSU, तो यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पर एक म्यूचुअल फंड नज़र आ रहा होगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो वह म्यूचुअल फंड ओपन हो जाएगा जिसकी मैं इस वीडियो में बात कर रहा था। तो इस म्यूचुअल फंड का नाम है SBI PSU डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। पिछले 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में इस म्यूचुअल फंड ने पर ईयर 41% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है और जो हमने कैलकुलेशन ली थी वो 40% की ली थी। अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में 83% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो कुल मिलाकर जो यह म्यूचुअल फंड है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और आने वाले समय में यह म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे सकता है क्योंकि इस म्यूचुअल फंड ने पिछले कुछ समय में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। अगर हम इसके NAV की बात करें तो जो उसका NAV है वो यहाँ पर अभी 36 रुपये है और यहाँ की जो इसकी रेटिंग है वो अभी नॉट अवेलेबल है, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ NA मतलब होता है नॉट अवेलेबल। अगर हम फंड साइज़ की बात करें तो फंड साइज़ का मतलब होता है कि इस म्यूचुअल फंड में कितने रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं। तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड में 4,601 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किए गए हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में SIP करना चाहते हैं तो आप 500 रुपये से इस म्यूचुअल फंड में अपनी SIP की शुरुआत कर सकते हैं। अगर हम और नीचे जाएँ तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा होल्डिंग्स के आगे 26, तो इसका यह मतलब है कि इस म्यूचुअल फंड के मैनेजर ने अभी तक जो इस म्यूचुअल फंड का पैसा है उन्हें 26 कंपनियों में इन्वेस्ट करके रखा है। आप उनकी डिटेल भी देख सकते हैं कि वह कौन कौन सी कंपनियां हैं
जिनमें इस म्यूचुअल फंड के मैनेजर ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। आप यहाँ पर इन चीज़ों को भी चेक कर सकते हैं। फिर इसके आगे यहाँ पर लिखा हुआ है परसेंट, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कंपनी है, बैंक है, उसमें इस म्यूचुअल फंड का जो पैसा है वो 14% इन्वेस्ट किया गया है। यानी कि मान लीजिए इस म्यूचुअल फंड में अगर 100 रुपये हैं तो 100 में से 14 रुपये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट किए गए हैं। अगर 100 रुपये हैं उसमें से जो 9% है वो गेल कंपनी में इन्वेस्ट किया गया, यानी कि 9% है। और अगर हम अदर कंपनियों की आप यहाँ पर डिटेल वगैरह चेक कर सकते हैं, 8.9%, 4.4%, 3.9%, तो यहाँ पर आपको हर एक डिटेल देखने को मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पर इसे और नीचे करेंगे तो यहाँ पर आप सी ऑल होल्डिंग्स पर क्लिक करके सारी कंपनियों के नाम देख सकते हैं, कौन कौन सी कंपनियों में इस म्यूचुअल फंड के मैनेजर ने हमारे पैसे को इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। अगर हम और नीचे जाएं तो आप यहाँ पर इसका एक्सपेंस रेशियो वगैरह भी चेक कर सकते हैं। तो जो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है वो 0.73% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड है, अगर आप 30 दिन के अंदर अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं इन्वेस्ट करने के बाद, तो आपको इस म्यूचुअल फंड के अंदर 0.5% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो एग्जिट लोड है वो 0.5% है। पर लेकिन हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एग्जिट लोड हमारे लिए कोई काम का नहीं है। आप यहाँ पर टैक्स वगैरह की इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं। यहाँ पर टैक्स है, टैक्स रिटर्न्स आर टैक्स एट 20% इफ़ रिडीम बिफोर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर यू रिक्वायर टू पे टैक्स ऑफ 12.5% ऑन रिटर्न्स ऑफ 1.25 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर। कुल मिलाकर इसका यह मतलब है कि एक साल के अंदर अगर आप अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं तो जितना आपको रिटर्न मिला है उस रिटर्न पर आपको यहाँ पर 20% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप एक साल के बाद अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं तो जो आपके रिटर्न्स हैं वो अगर 1,25,000 से ज़्यादा हैं तो आपको 12.5% का रिटर्न 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा अपने रिटर्न्स पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको टैक्स वगैरह के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अगर हम और नीचे जाएं तो आप यहाँ पर और भी चीज़ें चेक कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम फ़ंड मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो इस म्यूचुअल फ़ंड को मैनेज कर रहा है उनका नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, उनका नाम रोहित है। और उनकी एजुकेशन के बारे में भी यहाँ पर डिटेल दे रखी है और उन्हें क्या एक्सपीरियंस है क्या नहीं है, आप यहाँ पर वो डिटेल भी चेक कर सकते हैं। यानी कि जो आपका म्यूचुअल फ़ंड का मैनेजर है आप उसके बारे में यहाँ पर सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो यह म्यूचुअल फ़ंड है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप किसी SBI के म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कैलकुलेशन के हिसाब से बताया था कि अगर आप इस म्यूचुअल फ़ंड में 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं तो 20 साल बाद जो आपके 1,00,000 रुपये हैं वो कुछ 8 करोड़ के आसपास हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी है और जो भी चीज़ समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको इस वीडियो में म्यूचुअल फ़ंड के बारे में हर एक चीज़ बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फ़ंड के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोज़ नज़र आ रही होंगी, आप उन वीडियोज़ पर क्लिक करके म्यूचुअल फ़ंड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।